हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, जहां पर कि हम लोग जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में जानेंगे। मतलब ये हो गया कि हम जो है एंशियंट हिस्ट्री में जो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ, लाइक यू नो गुर्जर, प्रतिहाराज या फिर पालाज, राष्ट्रकूटज, चौहान्स, गजनवीड्स और चोलाज, इन सभी के जो है इमर्जेंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इकोनॉमी और सोशल लाइफ कैसे फंक्शन करती थी, वी विल बी लुकिंग एट दीज थिंग्स एज वेल। ओके, अगर एट ए ग्लांस देखा जाए तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 600 टू 800 सी का जो पीरियड है कॉमन एरा में, तो 750 कॉमन एरा के आसपास जो है पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटज तो है वो नॉर्दर्न इंडिया को डोमिनेट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो है 985 कॉमन एरा में आके जो है राजा राम चोला जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, और उसके बाद जो है 1001 से लेके 1027 कॉमन एरा में सीई में जो है महमूद ऑफ गजनी इंडिया पर इन्वेड करता है, इंडिया पर आक्रमण करता है वो लूटपाट के इरादे से। 1012 कॉमन एरा में जो है राजेंद्र द फर्स्ट जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, और इसके बाद जो है सीधा जो है फास्ट फॉरवर्ड 1091 फर्स्ट बैटल ऑफ तराई एंड 1092 सेकंड बैटल ऑफ तराई, जहां पर कि मोहम्मद गोरी जो है पहले बैटल ऑफ तराइन में जो है वो पृथ्वीराज चौहान से हारता है, और फिर उसके बाद जो है सेकंड बैटल ऑफ तराई में जो है वो पृथ्वीराज चौहान से जीत जाता है। सो वेल, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू नो लाइक कवर इन दिस चैप्टर, बट इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी वी विल बी फोकसिंग ऑन द you know like the emergence of new kingdoms until the you know like point of until you know like the Turkish invasion. We are not going to cover Turkish invasion in today's session. अब जो early period रहा है medieval Indian का, इसमें जो है कह सकते हो कि बहुत सारे जो north के Indian kingdoms थे उनके बीच में power के लिए जो छीना झपटी चल रही थी, जो scramble for power चल रहा था, ये medieval Indian history की जो है early कह सकते हो कि early medieval Indian history की एक खासियत रह जाती है। साथ साथ ये पीरियड जो था वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था बिकॉज ऑफ यू नो फॉरेन इन्वेजन्स, जिसकी वजह से जो है इंडिया का जो लेटर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है वो काफी हद तक जो है प्रभावित हुआ है। और साथ साथ जो है इसमें जो इस पीरियड में ही जो है साउथ में चोलाज का जो राइज है वो भी देखा जाता है, जिसके बारे में कि हम लोग जो है इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जो है देखेंगे। सो लेट अस यू लाइक फर्स्ट स्टार्ट विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। अब देखिए 7th सेंचुरी जो है इंडियन हिस्ट्री का, इसमें जो है चीफटेंस या लैंडलॉर्ड्स का उदय हुआ, जिन्हें कि सामंताज कहा जाता था या फिर सबऑर्डिनेट्स, तो इनका उदय होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में। अब समय के साथ जो है ये जो सामंत जो होते हैं वो जो है पावर और वेल्थ जो है अक्वायर कर लेते हैं, पावर और वेल्थ हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना अपने नए किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आजादी की घोषणा कर देते हैं। ओके, उन्होंने जो है अपनी आजादी की घोषणा कर दी और अपना नया राज्य बना लिया। अब जैसे कि उदाहरण के लिए दंती दुर्गा जो है उसने चालुक्याज को हराया और उसने जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी की नींव रख दी। दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहाराज जैसे जो सामंत थे, चीफटेंस थे, उन्होंने अपना जो है जो खानदानी पेशा था वो छोड़ के और उन्होंने जो है सक्सेसफुली राजस्थान में अपना जो है किंगडम बना लिया। ओके, अब उसके बाद जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पे मूव करते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था उस सभी का सेंटर बना हुआ था कन्नौज। ओके, खास करके जब किंग हर्षवर्धन का जो लंबा सा शासन काल रहा उस बीच में जितना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ नॉर्थ इंडिया का उसका सेंटर था कन्नौज। अब कन्नौज का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन था वो ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से काफी यूजफुल था, साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी भी काफी ज्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी काफी तगड़ी होती थी, और इसलिए जितने भी नए किंगडम्स थे वो सब बराबर इंटरेस्ट ले रहे थे कि किसी तरह से कन्नौज पे कब्जा किया जाए। अब जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत जो है इसमें जो गुर्जर प्रतिहाराज थे मालवा के, राष्ट्रकूटाज हो गए आपके डक्कन के, और जो पालाज हैं बंगाल के, उन सभी के बीच में जो है लंबा संघर्ष चल रहा था कन्नौज के ऊपर सुप्रीमेसी हासिल करने का, और इसी इवेंट को हिस्टोरियंस जो है वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं,
त्रिपक्षीय मुकाबला चल रहा था उधर, ठीक है। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक इन बंगाल साइड यू हैव गॉट पालाज हियर एंड यू हैव गॉट यू नो लाइक राष्ट्रकूटाज हियर एंड देन यू विल हैव यू नो लाइक गुर्जर प्रतिहाराज इन दिस साइड एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ कन्नौज यू नो अलॉन्ग द यू नो लाइक बैंक्स ऑफ गंगा एंड यमुना। तो फर्टिलिटी जो इसकी है वो तो जबरदस्त होगी ही होगी, तो इसी के लिए सब जो है आपस में लड़ रहे थे। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल था उसने इन तीनों डायनेस्टीज को, तीनों वंशों को कमजोर भी किया और अल्टीमेटली उनके पतन का रास्ता भी जो है साफ किया। अब सबसे पहले हम लोग गुर्जर प्रतिहाराज के बारे में बात करें। तो गुर्जर प्रतिहाराज जो थे वो वेस्टर्न इंडिया पे, यानी कि जो वेस्टर्न और सेंट्रल राजस्थान है और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, इस पर उनका शासन चलता था। और उनका लोकेशन जो था उसी की वजह से वो जो है अरब इनकर्जन्स जो हो रहे थे इंडिया में, अरब जो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे उसको भी रोकना जो है उनके लिए सक्षम हो पाया। सो यू नो लाइक इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया विद द यू नो लाइक दैट, तो ये जो है आपका पूरा जो है गुर्जर प्रतिहाराज का ये एरिया हो गया। तो इधर जो है राजस्थान राजस्थान का एरिया लेते हुए सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्से को लेते हुए जो है ये इधर मौजूद है। तो और इधर से ही जो है मान लो कि मुल्तान के रास्ते से, मंसूरा के रास्ते से जो है अरब्स के इनकर्सन का जो है सीन बनता था। तो इनका लोकेशन ऐसा था कि ये जो इनको जो है अरबों के साथ लोहा लेना पड़ता था और इनके लोकेशन की वजह से ही ये जो है अरबों को रोकने में भी सक्षम होते थे क्योंकि ये ठीक उनके सामने पड़ते थे। ओके नाउ इनिशियली अगर बात करें तो वो जो है लोकल ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो ये गुर्जर प्रतिहाराज थे वो ऑफिशियल्स हुआ करते थे। लेकिन बाद में जो है उन्होंने जो है अपना ही जो है कह सकते हो कि राज्य तैयार कर लिया, अपने बीच में ही उन्होंने जो है प्रिंसिपैलिटीज डेवलप कर ली। गुर्जर प्रतिहाराज जो थे उसमें बहुत सारे जो है शक्तिशाली शासक हुए, जैसे कि नागभट्ट प्रथम और या फिर जो इस वंश के संस्थापक थे वत्सराज और भोज। तो ये सब जो थे वो गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी इसमें जो है ये आए थे। ये राजा वराह के जो फोटो है गुर्जर प्रतिहारा क्वाइन पे। फिर मिहिर भोज ने जो है कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा जो है एम्पायर खड़ा किया गुर्जर प्रतिहाराज के पीरियड के डायनेस्टी में और कन्नौज को जो है इसकी राजधानी बनाई। उन्होंने जो है सिल्वर क्वाइंस जो है इशू किए थे जिस पर कि वरा जो विष्णु भगवान का अवतार है उसका चिन्ह बना हुआ था और इसलिए जो है उन्हें आदि वराह भी कहा जाता था। तो मिहिर भोज जो थे उन्हें आदि वराह भी कहा जाता था। फिर उसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहाराज जो थे वो शिक्षा और साहित्य के भी बहुत बड़े पैटर्न्स थे, जैसे कि राजशेखर जो कि संस्कृत के कवि थे उनको जो है प्रतिहार जो रूलर्स थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। तो ये तो हो गया आपका गुर्जर प्रतिहाराज का, जो कि अरब इनकर्जन्स को रोकने में काफी ज्यादा जो है इफेक्टिव रहे थे और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे प्रभावशाली राजा हुए जैसे कि नागभट्ट वत्सराज भोज वगैरह। और इसी में जो है मिहिर भोज जो थे उनके समय में जो है ये इस एम्पायर की बाउंड्रीज सबसे ज्यादा विस्तृत थी और कन्नौज इसकी राजधानी थी और उन्होंने जो है वराह के चिन्ह के साथ जो कि भगवान विष्णु का अवतार है उसके चिन्ह के साथ जो है सिल्वर क्वाइन इश्यू किया था जिसकी वजह से उन्हें जो है आदि वराह भी कहा जाता था। फिर गुर्जर प्रतिहाराज जो थे उन्होंने राजशेखर जो कि संस्कृत के कवि थे उनको जो है प्रतिहारा रूलर्स ने जो है पैट्रोनाइज दिया था। अब आगे बात करते हैं पालाज की। तो पाल एम्पायर जो है इसको फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी गोपाल ने करीब 750 कॉमन एरा में और उनका एम्पायर जो है वो अभी के बंगाल बिहार उड़ीसा के कुछ हिस्से और नेपाल इन सब में फैले हुए थे। बाद में उनके धर्मपाल और फिर धर्मपाल के बेटे देवपाल के पीरियड में जो एम्पायर है वो प्रेजेंट डे बंगाल कन्नौज उड़ीसा बिहार असम नॉर्दर्न इंडिया नेपाल पूरे को कवर कर लिया था। इस तरह से आप देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहाराज ने भी कन्नौज पे कब्जा किया, पालाज भी जब अपने पावर की हाइट पे थे तो उन्होंने भी कन्नौज पे कब्जा किया। तिब्बतन क्रॉनिकल्स के मुताबिक जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक पाल वंश के जो थे वो बुद्धिस्ट शिक्षा के बुद्धिस्ट ज्ञान के पैटर्न्स हुआ करते थे। तो बुद्धिस्ट लर्निंग्स उनके लिटरेचर और एजुकेशन
इन सभी को वो पैट्रंस हुआ करते थे, और उन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा दान किया था, जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग का मेजर सेंटर था उस पीरियड में। धर्मपाला ने जो है फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। उनका जो है साउथ एशिया के साथ काफी क्लोज जो है ट्रेड और कल्चरल रिलेशन था, जिसकी वजह से वो काफी संपन्न थे। बाद में महिपाल जो थे उन्होंने राजेंद्र चोला, जो चोला डायनेस्टी के थे, उनको 1023 कॉमन एरा में हराया भी। तो ये जो है पालवंस के पावर का जो है हाइट कह सकते हैं। रामपाल जो थे वो इस डायनेस्टी के अंतिम राजा हुए। खिलजी इन्वेजन ने जो है इवेंचुअली पाल डायनेस्टी के डिक्लाइन की शुरुआत कर दी। फिर फाइनली आते हैं राष्ट्रकूटाज पर। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो दंती दुर्गा या दंती वर्मन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था डेक्कन रीजन में, जो कि स्पेसिफिकली अभी जो है जो महाराष्ट्र का एरिया है उसमें, ठीक है। बाद में जो है इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा इन सबके एरियाज को भी कवर किया गया। अब राष्ट्र वर्ड जो है संस्कृत में इसका मतलब होता है टेरिटरी, क्षेत्र, और कुटा का मतलब हुआ चिफ्टेन, मालिक, प्रमुख कह सकते हो। तो कह सकते हो कि शासन वंश, शासक वंश की का रुतबा हासिल करने से पहले, शासक वर्ग का स्टेटस हासिल करने से पहले डेक्कन में राष्ट्रकूटर जो थे वो सेंट्रल इंडिया के चिफ्टेन्स हुआ करते थे, है ना, मतलब यहाँ के सामंत हुआ करते थे। बाद में जाकर उन्होंने जो है अपने अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी। अब इस एम्पायर का कैपिटल जो था वो मालखेट या मानिखेत में था, जो कि मॉडर्न शोलापुर है महाराष्ट्र में। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के अलावा वो जो है हमेशा वेंगी के चालुक्याज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, कांची के पल्लवाज के साथ और मदुरै के पांड्याज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, जो कि सदर्न इंडिया तरफ के हो गए। राष्ट्रकूटाज ने जो है लगभग 200 ईयर्स तक शासन किया, मोटा मोटी 10th सेंचुरी के एंड तक। और जो सबसे महान राष्ट्रकूटा शासक हुए उनमें गोविंद तृतीय, फिर अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय जो है इनका आता है स्थान। जो पत्थर में पत्थर की को काट के जो एलोरा और एलिफेंटा की आज की ये मंदिरें बनी हुई है, ये जो है राष्ट्रकूट शासकों की जो है लेगेसी है, उन्हीं की धरोहर है ये, ठीक है। फिर जो है चौहान्स की बारी आती है। तो चौहान्स जो थे या चाहमान डायनेस्टी अजमेर में, इसकी स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। अपनी इस डायनेस्टी की स्थापना करने से पहले चौहान जो थे वो भी जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके ही वैसल्स थे, मतलब कि उनके ही कह सकते हो कि आधिपत्य में रहने वाले ये जो है सामंत रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि वो जो है गुर्जर प्रतिहार के अंदर ही जो है उनके प्रोटेक्शन में रहते थे और उनको जो है अपना कर वगैरह देते होंगे, उनको कुछ प्रोटेक्शन मनी देते होंगे। अब चौहान वंश में सबसे जो महान राजा हुए वो थे विग्रहराज, जिन्होंने की चित्तौड़ पे कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो सबसे फेमस चौहान रूलर हुए, जो कि अजमेर की गद्दी पर 1177 ईस्वी में जो है बैठे, और उन्होंने जो है एक्सपेंशन की काफी जो है दमदार फॉलो किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश वाले थे उनके खिलाफ उन्होंने जो है अपना युद्ध अभियान चलाया। ओके, पृथ्वीराज के शासन काल को जो है पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई के द्वारा रची गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इसका जो है वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उन्होंने पहला और दूसरा तराई का युद्ध किया था मोहम्मद गोरी के साथ 1191 में और 1192 में। पहले युद्ध में उन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था और कहा जाता है कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जीवन दान भी दिया था, और दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। यहां पर भी कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में जो है उन्हें धोखा दिया गया था कुछ दूसरे शासकों के द्वारा, कुछ दूसरे स्थानीय शासकों के द्वारा। तो खैर उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हारे थे सेकेंड बैटल ऑफ तराई में, और उसके बाद उन्हें जो है कैद कर लिया गया था और उन्हें जो है मार दिया गया था। तो ये जो है इस पीरियड का एक स्नैपशॉट है सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप का, कि इस समय में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें किंग होता था जो कि शासन का प्रमुख होता था, वो आर्मी का जो है कमांडर इन चीफ होता था, तो मतलब आर्मी का भी हेड हुआ और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था का जस्टिस सिस्टम का भी हेड जो है वो किंग ही होता था। उसका पोजिशन जो था वो हेरिडिटरी था, तो मतलब ये हो गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन हाँ सक्सेशन का कोई रूल फिक्स नहीं था कि बड़ा बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, मजला बनेगा, ये गारंटीड नहीं था। राजा जो है वो महाराजाधिराज या चक्रवर्ती जैसे टाइटल यूज करते थे,
और उनको जो है अपने सामंतों के साथ जो है पावर मेंटेन करने के लिए जो है थोड़ा सा खिंचातीनी जो है करना पड़ता था। फिर मिनिस्टर्स होते थे, तो मिनिस्टर्स में जो है एक मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी जो कि राजा को सलाह देती थी। महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता था इनमें से। दूसरे जो मिनिस्टर होते थे उनमें होता था अक्षपातल क्या या रेवेन्यू मिनिस्टर जो कि टैक्स वैक्स सबसे और खर्चा पानी के बारे में बताएगा। संधि विग्रह का जो कि फॉरेन मिनिस्टर होगा, विदेश मंत्री। महाप्रतिहारा जो कि रॉयल पैलेस का गार्ड जो होगा वो होगा। फिर राजपुरोहित जो राजा का पुजारी होगा। और फिर महासेनापति जो कि आर्मी का कमांडर होगा। रिमेंबर, आर्मी का हेड जो होगा वो राजा होगा लेकिन कमांडर जो होगा वो महासेनापति होगा। क्षेत्र के सेटअप की बात करें टेरिटरी के, तो जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरीज होती थी जो कि राजा के राज के डायरेक्टली अंदर आती थी, उनको जो है भुक्तीज यानी कि प्रोविंसेस और मंडलाज या विसयाज में जो है बांटा जाता था। तो भुक्तीज और मंडलाज, किसी प्रोविंस का जो गवर्नर होता था उसे जो है उपरिकर कहते थे, तो वो जो है रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता था और साथ ही साथ जो है अपनी सेना की मदद से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था भी मेंटेन करता था। डिस्ट्रिक्ट के हेड को जो है विषयपति कहा जाता था। जो वैसल चीफ्स हुआ करते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, मतलब कि वो डायरेक्टली राज्य के अंदर नहीं आते थे, वो इंडिपेंडेंट होते थे लेकिन वो जो है राजा के प्रोटेक्शन में होते थे। तो बदले में उनको क्या करना पड़ता था, तो एक फिक्स जो है ट्रिब्यूट देना पड़ता था, चंदा कह सकते हो, और साथ ही साथ जो है उनको कुछ सिपाही भी जो है एक फिक्स कोटा था कि आपको जो है 100, 200, 500, 1000 सिपाही भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो ऐसा नहीं देते थे तब फिर उनके साथ झगड़ा चलता था। जो स्मॉलर चीफ होते थे, छोटे छोटे चीफ होते थे, उन्हें जो है भोगपति कहते थे, जो कि बाद में विषयपति के साथ जो है मिल जाते थे, डिस्ट्रिक्ट हेड के साथ मिल जाते थे। तो ये जो है उस समय का कह सकते हैं कि एक डिवीजन हो गया। आगे जो है अब आप उस समय के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को, विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल इकोनॉमिक लाइफ को भी देखिएगा क्विकली। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस समय में जो है इन्फेंट्री यानी कि पैदल सिपाही, कैवलरी जो हथियार वगैरह लेके चलेगी, और फिर जो है बहुत सारे जो है हाथी जो थे, वॉर एलिफेंट्स, वो मेंटेन किए जाते थे। पालाज जो थे उनके पास सबसे ज्यादा संख्या में जो है युद्ध करने वाले हाथी मौजूद थे। गुर्जर प्रतिहारा जो थे उनके पास सबसे अच्छी कैवेलरी थी, ठीक है, जो घुड़सवार सेना होती है आपकी। राष्ट्रकूटाज जो थे उनके पास काफी संख्या में जो है किला मौजूद था, जिन पर की स्पेशल जो सिपाही होते थे वो जिसकी रक्षा करते थे, गैरिसन जो उसके ऊपर तैनात होते थे। फिर विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विलेज जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेसिक यूनिट था, जिसका प्रमुख जो है वो ग्रामपति होता था जो कि अकाउंटेंट भी होता था, यानी कि टैक्स कलेक्शन हैंडन का जो है हिसाब भी वही रखता था। उसके अलावा जो है विलेज कमेटी मौजूद होती थी जो कि आसपास के स्कूल, सड़क, वाटर टैंक, मंदिर सबकी जो है देखभाल करती थी। शहर में लॉ एंड ऑर्डर जो था वो कोतवाल के द्वारा जो है देखभाल किया जाता था, देखा जाता था। टाउन कमेटी होता था, और इसके अलावा जो ट्रेड गिल्ड्स होते थे, मतलब कि अलग अलग धंधे वालों का जो झुंड होता था, तो वो लोग भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते थे। सोसाइटी की बात करिए तो कास्ट सिस्टम जो था वो सोशल लाइफ का बेसिस था। ब्राह्मण और राजपूत जो थे वो हाईएस्ट पोजीशन में होते थे, और जो वैश्यास थे, ट्रेडर्स और मर्चेंट वगैरह, वो जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते थे। इकोनॉमी की बात करें तो खेती जो है वो मेन ऑक्यूपेशन था इस पीरियड में। चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उन सभी के साथ जो है ट्रेड रिलेशन काफी फला फला इस पीरियड में। मेन जो एक्सपोर्ट के आइटम्स थे उनमें मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर वगैरह होते थे। इंपोर्ट के मेन आइटम्स में जो है घोड़ा, कीमती मेटल और पत्थर आते थे। मर्चेंट्स जो थे वो श्रेणी नाम के गिल्ड के द्वारा जो है ऑपरेट करते थे, यानी कि हर एक व्यापारी का भी अपना जो है एक ग्रुप होता था, एक जो है कह सकते हो एसोसिएशन होता था, जैसे कि उस टाइम में श्रेणी कहते थे। चीफ ऑफ गिल्ड जिन्हें कि श्रेष्टिंस कहते थे, वो जो है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते थे। तो चलिए ये कुछ जानकारी रही आपके अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में। अब आगे जो हम लोग टर्किश इन्वेजन्स के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं तब फिर, बाय बाय।